हेलो गाइज, माय नेम इज रुद्राज एंड वेलकम बैक टू जीवा वैली। सो प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने स्ट्रेस ट्रेन कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले आफ्टर एटीट्यूड ऑफ द बेड फोल्ड्स टॉपिक स्टार्ट करने वाले, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपसे कोई मिस नहीं होगा, आपके डायरेक्ट नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो शेयर कर देना बहुत लोगों के साथ और कमेंट कर देना कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में, कोई भी लेक्चर में डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ फोल्ड्स, ठीक है। फोल्ड्स ये हमारा पहला टॉपिक होगा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, पहला सब टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं समर्पित करता हूँ बहुत ही बड़े साइंटिस्ट को, जो जियोलॉजी में स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा योगदान है उनका, जॉन रामसे उनका नाम है, ठीक है। तो 2 दिन पहले उनका वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब हर एग्ज़ाम में आता है, रामसेज क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, तो वो फोल्ड का क्लासिफिकेशन है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वीडियो में हम वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बस फोल्ड क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, फॉर्मेशन का, फोल्ड कैसे फॉर्म होता है अंडर द क्रस्ट, ओके, बीनिथ द क्रस्ट, तो ये सब चीज़ें, कुछ टाइप्स देखेंगे हम, बहुत सारे टाइप्स है, तो इस वीडियो में सब कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देखेंगे फोल्ड्स के, ठीक है। तो ओके, तो फोल्ड के बारे में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कॉम्प्रेशन से बनता है, कॉम्प्रेशन मतलब मैंने बताया था स्ट्रेन जब पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, पहले लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि कॉम्प्रेशन से दो तीन चीज़ें होता है, एक तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, एक तो टेंशनल होता है और एक स्ट्राइक स्लिप मतलब शियरिंग स्ट्रेस होता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो था, ठीक है, एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर लगता है ना ये फोर्स, तो इस फोर्स से बनता है फोल्ड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डक्टाइल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के टाइप बताए थे मैंने स्ट्रेन पढ़ाते समय, ब्रिटल, डक्टाइल, फिर प्लास्टिक था, ठीक है। तो ये तीन चार टाइप मैंने बताए थे, उसमें से डक्टाइल जो था प्लास्टिक का नेक्स्ट वर्जन मैंने बताया था कि, ठीक है, तो डक्टाइल जो था उस डिफॉर्मेशन से बनता है फोल्ड्स, ठीक है। ब्रिटल से क्या होगा, ब्रिटल अगर हम ब्रिटल को फोर्स लगा देंगे वो टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टूटता नहीं है, यहाँ पे बेंट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डक्टाइल डिफॉर्मेशन। तो फोल्ड्स कहाँ फॉर्म होते हैं, ग्रेटर डेप्थ में, सरफेस फॉर्मेशन, सरफेस पे मतलब मैक्सिमम सरफेस पे ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है फोल्ड का, फोल्ड फॉर्म करने के लिए डक्टाइल फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और हमने जैसे देखा था उस लेक्चर में डक्टाइल फॉर्मेशन ग्रेटर डेप्थ पे होता है, ठीक है, सरफेस में नहीं होता, सरफेस पे ज़्यादा कौन सा होता है, ब्रिटल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो चॉक का एग्जाम्पल देखा था ब्रिटल में हमने, और इसमें देखा था माइलोनाइट का एग्जाम्पल, तो माइलोनाइट डक्टाइल डिफॉर्मेशन से फॉर्म होता है। और फोल्डिंग का जितना भी मैकेनिज्म है, माइक्रो लेवल पे फोल्डिंग होता है और बहुत बड़े रीजनल स्केल पे भी फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग इज द टाइप ऑफ डक्टाइल डिफॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो ये तो समझ गए कि ये यहाँ पे देख लो कि दोनों साइड से कॉम्प्रेस कर रहे हैं एक बेड को, एक कोई भी चीज स्ट्राटा है, ठीक है, उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं और उसका डिफॉर्मेशन ये वाला स्ट्रक्चर में हो रहा है, ठीक है, बेंडिंग हो रहा है उसका, बेंड हो रहा है बस, टूटा नहीं अभी तक, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फोल्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फोल्ड्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, नॉमिनक्लेचर ऑफ फोल्ड देखेंगे, एक सिंपल फोल्ड लेंगे हम एंटीक्लाइन, ठीक है, ये बता दूंगा एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है। तो एंटीक्लाइन एक फोल्ड, सिंपल फोल्ड लेंगे और उसका नॉमिनक्लेचर देखेंगे, ठीक है, ओके। सो दिस इज आवर नॉर्मल फोल्ड, एक फोल्ड लिया है हमने जो सरफेस के नीचे फॉर्म होता है, मतलब ग्रेटर डेप्थ पे फॉर्म होता है, ये डक्टाइल डिफॉर्मेशन से फॉर्म होता है और अभी जो है वो एक्सपोज हुआ है, ठीक है, बहुत सालों के बाद इरोजन वगैरह हो गया, डिफॉर्मेशन होके ये एक्सपोज हुआ है, अब हमें ये जो स्ट्रक्चर है वो सरफेस पे देखने के लिए मिल रहा है। अब हम इसका नॉमिनिक्लेचर देखेंगे, ठीक है, ये सिंपल एंटीक्लाइन है, तो ये जो फोल्ड है उसके जो दो साइड, ठीक है, मैक्सिमम हाइएस्ट पॉइंट होता है फोल्ड पे, दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड, तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, स्पेलिंग देख लेना, क्रेस्ट, CREST, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के बाद जो दोनों साइड हमें लिम्स दिख रहे हैं, मतलब दोनों साइड जो इंक्लाइंड स्ट्राटा दिख रहा है, इंक्लाइंड वो उसी बेड का इंक्लाइंड पार्ट जो है, उन दोनों को बोलते हैं लिम्स, तो दिस इज लिम्ब,
लिंब वन और ये लिंब टू, ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं लिंब। इसको क्या बोले हम, क्रेस्ट। ये दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फोल्ड, हाईएस्ट मतलब ज्यादा हाइट, सबसे ज्यादा हाइट पे जो होता है, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा 3D में ट्राई किया है, तो समझ लेना, मैंने एक मॉडल भी बनाया, वो मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर, ठीक है। तो ये क्रस्ट है, अब क्रस्ट में, क्रस्ट से जो लाइन गुजरती है ये वाली ऊपर, तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है ना ये, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये जो लिंब है ये हमारी तरफ है, ये हम देख सकते हैं, उस साइड की लिंब हम देख नहीं सकते, उधर है, थोड़ा सा देख सकते हैं इतना पार्ट, ठीक है। और ये जो लिंब है उस, ये लिंब की और दोनों लिंब की जहां पे इंटरसेक्शन होता है, वो जो लाइन फॉर्म करता है ना, क्रेस्ट पॉइंट्स मिला के, सबका क्रेस्ट पॉइंट मिला के एक लाइन फॉर्म होगी ये वाली, ठीक है। ये क्रेस्ट पॉइंट्स है ना सब, इस पे जो होगी क्रेस्ट पॉइंट होगी, तो ये जो लाइन है उसको बोलते हैं हिंज लाइन, ओके, इसको बोलते हैं हिंज लाइन। और हिंज लाइन से, एक मिनट, हिंज लाइन से एक प्लेन क्रॉस होता है, ठीक है। ये इमेजिनरी प्लेन होता है, ये फोल्ड में होता नहीं है, ये इमेजिनरी प्लेन हमने कंसिडर किया है। ये एक ऐसा प्लेन जो फोल्ड के एक्सिस से गुजरता है, एक्सिस मतलब दिस इज हिंज लाइन के पैरेलल होती है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मतलब क्या कि एक इमेजिनरी लाइन होती है फोल्ड में, मैं दिखा दूंगा अभी, मैंने मॉडल जो बनाया, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके दोनों साइड के लिंब उसके दोनों साइड होते हैं, मतलब हिंज लाइन से एक पास होता है, ठीक है, एक प्लेन पास होता है, उसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। अब ये जो प्लेन है इसको एक्सियल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सिस से पास हुआ है, दिस इज एक्सिस, एक्सिस ऑफ द फोल्ड, ठीक है, एक्सिस से पास हुआ है, इसलिए एक्सियल प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इमेजिनरी होता है, ये देखने के लिए नहीं मिलता हमें फील्ड में, ओके। तो हिंज लाइन हो गया, क्रस्ट हो गया, लिंब्स हो गए दोनों, ठीक है। अब क्रस्ट तो हो गया, लेकिन फोल्ड का लोवेस्ट पार्ट जो होता है, ठीक है, अब सपोज दिस फोल्ड, ये फोल्ड जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन है, ठीक है, ये ऐसे भी अगेन फोल्ड हो रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, ये अगेन फोल्ड हो रहा है, मतलब ऐसे जाके ऐसे फोल्ड हो रहा है फिर से, तो ये लोवेस्ट पॉइंट हुआ ना इसका, दिस इज द, ये जो है वो हाइएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। क्रस्ट का जो ऑपोजिट है उसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ट्रफ में एक और बार दिखा दूंगा सिंपल डायग्राम में, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत लो। ये क्रेस्ट है, इसका लोवेस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं क्योंकि वो वैली में है, ठीक है, वैली टाइप स्ट्रक्चर में है, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। ये क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। लिम्स देख लिया हमने क्या होता है, एक्सियल प्लेन देख लिया क्या होता है, एक्सिस देख लिया क्या होता है, हिंज लाइन पता है क्या होता है, ठीक है। हिंज लाइन और हिंज सरफेस दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रेस्ट और हिंज दोनों डिफरेंस होता है, डिफरेंट अब क्या होता है, क्रस्ट इज हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, और हिंज क्या होता है, हिंज मतलब मैक्सिमम कर्वेचर, जहां पे कर्वेचर ज्यादा हो, दोनों लिंब का एंगल जहां पे सबसे कम होगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम कर्वेचर, ठीक है। हिंज मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, अब इसमें देखते हैं, इसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को बोल देता ना तो 10 मिनट में बना देता ये, ठीक है। तो ये कंसिडर करो कि ये फोल्ड है, सिंपल फोल्ड है, ठीक है। ये जो बीच से पास कर रहा है इसके, इसको हम बोलेंगे एक्सियल प्लेन, क्योंकि ये एक्सिस से पास करता है, एक्सिस मतलब ये वाला, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज एक्सिस। इस साइड नहीं है, इस साइड और इस साइड है ये बात नहीं है, लेकिन ये बीच से ये करती है, ठीक है। और मैक्सिमम कर्वेचर जो अभी मैं बता रहा था ये है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में, दोनों लिंब के बीच का जो एंगल है ये, इसको बोलते हैं इंटरलिंब एंगल, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटरलिंब मतलब दो लिंब के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरलिंब एंगल, दोनों लिंब के बीच का जो एंगल बना रहा है उसको इंटरलिंब एंगल बोलते हैं। ये हो गया हमारा एक लिंब, ये हो गया दूसरा लिंब,
ठीक है, लिम्ब वन लिम्ब टू, यहाँ पे जो मैंने लिखा है दिस इज लिम्ब वन दिस इज लिम्ब टू, ठीक है, ये दोनों लिम्ब्स हो गए। ये हुआ हमारा एक्सियल प्लेन जो हॉरिजॉन्टल कट कर रहा है, ये देखिए इधर से ये एक प्लेन है, दिस इज नॉट अ लाइन, ठीक है। और ये एक्सियल प्लेन जहां से पास कर रहा है, मतलब ये दोनों, ये देख रहे ये पॉइंट, ये और इस साइड की कोई भी ले सकते, ये जो लाइन है उसको बोलते हैं हिंज लाइन। ये देखिए हिंज लाइन, समझ गए क्या है हिंज लाइन? तो क्रस्ट का जो पॉइंट है वो क्रस्ट के पॉइंट्स मिला मिला के एक लाइन बनती है, उसको बोलते हैं हिंज लाइन, ठीक है। हिंज लाइन हो गया, लिम्स हो गए, और क्या बच गया? क्रस्ट। क्रस्ट मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, सो दिस इज क्रस्ट। और ट्रफ कौन सा होगा? अगर सपोज मान लीजिए कि यहां से कंटिन्यू होके और एक यहां पे लिम्ब होती, ठीक है, थर्ड लिम्ब ऐसी होती सपोज, तो इसको बोलते हैं हम ट्रफ, ठीक है। इसी को उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये लिम्ब ऐसे है, ऐसा थोड़ी है, जरूरी है कि ऐसा ही होना है, ऐसा भी फोल्ड हो सकता है ना। मैंने जो बताया था, इसको अगर ऐसे ऐसे फोर्स लगा देंगे तो ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो बन सकता है, ठीक है, उल्टा भी तो बन सकता है, ओके। तो मान लीजिए कि ऐसा बन गया उल्टा, इसको बोलते हैं हम सिंक्लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है। एंटीक्लाइन मतलब ऊपर की ओर, सॉरी, उसका जो लिम्ब का ये है, लिम्ब का डिप है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डिप कर रहा है, ठीक है। एंटीक्लाइन में क्या होता है, इसका, इस बेड का जो डिप है वो इस साइड है, डिप, और स्ट्राइक के लेक्चर में मैंने बताया था कि डिप क्या होता है, इसका डिप इस साइड है, इसका डिप इस साइड है। एंटीक्लाइन में डिप डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू इच अदर, ठीक है, डिप डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू इच अदर, और डिप अमाउंट भी, मतलब डिप जो कर रहा है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब सिंक्लाइन में देख लीजिए, इसका डिप कहां कर रहा है? सरफेस से जो एंगल बनता है, ये सरफेस से जो एंगल बनता है वो डिप होता है, डिप एंगल। तो इसका डिप कहां है? इस साइड है। इसका डिप कहां है? इस साइड है, मतलब इस साइड मतलब उसकी ओर है ना, तो टुवर्ड्स इच अदर है, ठीक है, डिप डायरेक्शन इज टुवर्ड्स इच अदर, इसका डिप इस साइड है, इसका डिप। तो सिंक लाइन में लिम्स का जो डिप होता है वो टुवर्ड्स इच अदर, मतलब आके दोनों मिल जाते हैं यहां पर, ठीक है। ये डीप डायरेक्शन का और सिंक्लाइन एंटीक्लाइन में रिलेशन है, ठीक है, वो याद रखना। तो ये मैंने बताया था कि ये ट्रफ है, जैसे एंटीक्लाइन में ये क्रेस्ट होता है, वैसे यहाँ पे ट्रफ होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट होता है और ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। एंटीक्लाइन हो तो ये हाईएस्ट पॉइंट, सिंक्लाइन हो तो ये ट्रफ होता है, वो ये दिस इज लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। सो हाँ, ये सब टर्मिनोलॉजीज हो गए, नॉमिनिक्लेचर हो गया फोल्ड्स का, ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं फोल्ड में, ओके। तो टाइप्स देखने से पहले मैंने जो बताया था क्रेस्ट और हिंज का डिफरेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेस्ट होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट मतलब ज्यादा हाइट पे होना। अब ये दो पॉइंट्स देख रहे हैं, ऐसा अगर फोल्ड है तो दिस इज आवर क्रेस्ट, क्योंकि ये हाईएस्ट है ना, ये इसके नीचे है, ये इसके ऊपर है, सो हाईएस्ट इज क्रेस्ट। और हिंज होता है मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम कर्वेचर कहां पे है इसका, मतलब दो लिम्ब का एंगल सबसे कम कहां पे है, ये एंगल है, तो दिस इज आवर हिंज, हिंज ऑफ द फोल्ड, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स, ओके। तो कुछ टाइप्स देखेंगे, मैंने इस साइड लिखा है, इतने टाइप्स हम देखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो पहला है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन मैंने बताया था कि ऐसा होता है, मतलब लिम्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ये करती है, डिप करती है, सही है, सरफेस से ये इस साइड डिप कर रही है, ये इस साइड डिप कर रही है, समझ गए, ये होता है एंटीक्लाइन। अब इसके ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट होगा सिंक्लाइन। ये सरफेस है, दिस इज सिंक्लाइन, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लिया, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है, मतलब ये इसका डिप इस साइड है, इसका डिप इस साइड है, टुवर्ड्स इच अदर होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंक्लाइन। और सिंक्लाइन में हमने देखा था कि ट्रफ होता है, एंटीक्लाइन में हमने देखा था कि क्रस्ट होता है, ठीक है। तो मैं एक ही डायग्राम में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बता देता हूँ,
अगर ऐसा फोल्ड है तो ये जो है वो एंटीक्लाइन है, इसमें क्रस्ट है, ये जो है वो सिंक्लाइन है, दिस इज द सिंक्लाइन और दिस इज एंटीक्लाइन, ये जो है ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। एंटीक्लाइन में भी आता है ये लिम्ब और सिंक्लाइन में भी आता है, ये कॉमन लिम्ब बोलते हैं इसको, कॉमन लिम्ब, ठीक है। तो ये दोनों सिंक्लाइन हो गए। सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल, बस सिमेट्रिकल पढ़ेंगे, उसके ऑपोजिट होता है असिमेट्रिकल, ठीक है। अब सिमेट्रिकल होने के लिए जरूरी क्या है कि दिस इज द फोल्ड, दिस इज आवर एक्सियल प्लेन, ठीक है। एक्सियल ये प्लेन है, बोर्ड पे है इसलिए लाइन दिखा रहा हूं मैं, थ्री डी में है ये प्लेन, ठीक है। तो सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, एक ऐसा फोल्ड जिसका एक्सियल प्लेन इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करे और मिरर इमेज है, दोनों दोनों साइड के मिरर इमेज होने चाहिए, मतलब इसमें जो फीचर है ये वो उस साइड भी होने चाहिए, ठीक है। डीप जो है इसका डीप सेम होना चाहिए, थीटा थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, ओके। एंगल सेम होना चाहिए, सिमेट्री दोनों साइड सेम होना चाहिए, सिमेट्री मतलब क्या, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलर फोल्ड्स, दोनों साइड एक्सियल प्लेन के दोनों साइड सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। और अगर यही फोल्ड अगर ऐसा हो, ठीक है, तो ये हमारी एक्सियल प्लेन बन जाएगी ना, एक्सियल प्लेन, सही है। तो एक्सियल प्लेन के हमारे हॉरिजॉन्टल क्या है, अब दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल, तो इस लिम्ब का एंगल जो है थीटा है, लेकिन इसका एंगल डिफरेंट है ना, तो इसका फाई कंसिडर करते हैं, ठीक है, फाई ये नहीं, फाई नहीं है, दिस इज फाई, इसको फाई कंसिडर करते हैं, इसका थीटा इसका फाई, मतलब एंगल भी डिफरेंट है, मिरर इमेज भी नहीं है, इसको अगर ये किया जाए तो मिरर इमेज भी नहीं फॉर्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिकल, ठीक है। दोनों इसका दोनों लिम्ब का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वो डिफरेंट होगा, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल में, ठीक है। सो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल समझ में आ गया, ये दोनों डिफरेंस है। अब कुछ छोटे छोटे डिफरेंस है वो समझेंगे, पार्ट्स है, टाइप्स है। बॉक्स फोल्ड, बॉक्स फोल्ड का मतलब बॉक्स की तरह होता है, ठीक है, ये हो गया बॉक्स फोल्ड। इसका जो लिम्ब है उसमें तीन लिम्ब होते हैं, ये एक, ये दो और ये तीन, समझ गए। और इस इन दोनों का एंगल अलग होगा, इन दोनों बीच का एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इंटरलिम्ब एंगल। मैंने बताया था नॉमिनक्लेचर बताते समय कि इंटरलिम्ब एंगल, तीन लिम्ब है इसको बॉक्स फोल्ड को, बॉक्स फोल्ड और फैन फोल्ड। एक फैन फोल्ड होता है, फैन फोल्ड में उस एंगल जो होता है डीप एंगल वो निगेटिव होता है, मतलब ये फैन फोल्ड है, ठीक है, फैन फोल्ड मतलब ये होता है, देख रहे, मतलब ये जो लिम्ब है वो इसके साइड डिप कर रही है, वो इसके साइड डिप कर रही है, इंटरलिम्ब एंगल जो है वो निगेटिव होगा इसका, ठीक है, ये फैन फोल्ड है। ऊपर वाला जो ये है वो बॉक्स फोल्ड है, बॉक्स फोल्ड में तीन लिम्ब होते हैं, ये एग्जाम में भी आ चुका है। अब बॉक्स फोल्ड में भी सिंक्लाइन वाला भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जैसे हम बहुत सारा टाइप में हम सब डिवाइड कर सकते हैं इसको। शेवेरॉन, नेक्स्ट इज शेवेरॉन। शेवेरॉन का मतलब होता है कि क्रस्ट जो है वो एंगुलर होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखे थे कि ऐसे वाले फोल्ड, मतलब ये सर्कुलर है ना, ये एंगल, ऐसा एंगल थोड़ी फॉर्म कर रहा है, लेकिन जहाँ पे एंगल फॉर्म करता है ना क्रस्ट का, उसको बोलते हैं शेवरॉन। अब शेवरॉन सिंक्लाइन भी हो सकता है और एंटीक्लाइन भी हो सकता है। इसको देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है वो शेवरॉन फोल्ड है, इसका एंगुलर है, ठीक है, ये सर्कुलर नहीं है, इसका क्रस्ट जो है वो एंगुलर है, और ऐसे करें तो इसको ट्रफ बोलेंगे। ट्रफ और क्रस्ट दोनों में से कोई एंगुलर हो तो उसको बोलते हैं शेवरॉन फोल्ड, ठीक है। अब प्लंजिंग फोल्ड देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे गेट में, नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एमएससी में भी बहुत सारे, एमएससी तक कुछ लोग समझ नहीं पाते कि प्लंजिंग क्या होता है, ठीक है। तो प्लंजिंग फोल्ड का एक डायग्राम निकालता हूं मैं, ये इसको 3D इमेजिन करो, ठीक है, ये हमारी साइड की लिम्ब है और वो दूसरे साइड की लिम्ब है, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा है क्या हुआ है, इसको क्या बोलते थे हम, हिंज जोन और हिंज लाइन बोलते हैं, ठीक है। हिंज लाइन मतलब एक लाइन और हिंज जोन मतलब उसके आसपास का एरिया कंसिडर किया, तो उसको जोन बोलेंगे, एक जोन कंसिडर करते हैं। अब हम यहां पे हिंज लाइन को, पहले ये फोल्ड ऐसे था,
ठीक है। लेकिन अब इसको क्या किया है, इसको लेके ऐसे घुमा दिया है, ठीक है। इसी में देखते हैं, इसको लेके प्लंजिंग फोल्ड मतलब ये जो हिंज लाइन है उसको डिप करना है, इस साइड कर दो और इस साइड कर दो। हिंज लाइन डिप होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल नहीं रहनी चाहिए। ये द हिंज लाइन शुड शुड फॉर्म एंगल, एनी एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन वी कैन कॉल इट प्लंजिंग फोल्ड। अब देखते हैं प्लंजिंग फोल्ड, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ हिंज लाइन एक एंगल फॉर्म कर रही है, दिस इज प्लंजिंग। अब इसका हॉरिजॉन्टल भी ये है और इसका हिंज भी ये है, मतलब 0 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये नॉन प्लंजिंग फोल्ड है, दिस इज नॉन प्लंजिंग, दिस इज प्लंजिंग, क्योंकि हिंज लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल फॉर्म कर रही है, कुछ तो एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे प्लंजिंग फोल्ड। अब ये कितना भी हो एंगल, एंगल सपोज 30 डिग्री हो, 89 तक एंगल हो सकता है इसका, ठीक है। 90 डिग्री हो गया तो फोल्ड ही गायब हो जाएगा, थोड़ा इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्लंजिंग फोल्ड, हिंज लाइन ये हो रही है, डिप कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था प्लंजिंग फोल्ड, ठीक है। तो इतने सारे टाइप्स हमने फोल्डिंग में देख लिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट आ जाएगा और कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।